লকডাউনের জেরে সাধারণ মানুষকে চাল গম বিতরণ করলো কালচিনি ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অরুণা পরিয়ার। করোনা ভাইরাসের জেরে দেশ জুড়ে লকডাউন, আর এই লকডাউনের কারণে কাজ হারিয়েছে বহু মানুষ, খাদ্য সংকট দেখা দিয়েছে দিন মজুরদের। রাজ্য সরকারের তরফে রেশন কার্ডধারীদের দেওয়া হচ্ছে চাল গম, তবে যাদের কাছে রেশন কার্ড নেই তারা পড়েছে সমস্যায়। তাদের কথা মাথায় রেখে কালচিনি বিডিওর কাছে সুপারিশ করে প্রতি পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যদের 480 কেজি চাল বিতরণ করার জন্য পাশ করান অরুণা পরিয়ার। সেই চাল ও গম এদিন তিনি নিজ হাতে অসহায় পরিবারের মাঝে বিতরণ করেন। কালচিনি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অরুণা পরিয়ার জানান, জিআর তহবিল থেকে এই চাল গম বিতরণ করা হয়। अभी का जो महामारी चल रहा है उसके लिए जो गरीब आदमी का जिसका जिसका राशन कार्ड नहीं है, जिसका खाने का अवस्था नहीं है, वो जिसका रोजगारी नहीं है, अभी लॉकडाउन में सबका सब घर में बैठा हुआ है, तो वो लोग के लिए हम लोग पंचायत समिति की ओर से वीडियो से बोल के हम लोग के लिए भी समिति की ओर से भी आप लोग कुछ व्यवस्था कीजिए बोल के हम वीडियो से बात करके वीडियो बोला ठीक है। इतना हम लोग बोला कि जितना भी अलॉटमेंट आप लोग जीपी के थ्रू से दे रहा है, जीपी के थ्रू से तो ठीक ही है दे रहा है, लेकिन सब आदमी को नहीं मिल रहा है, इसलिए हम लोग को समिति को भी देने से हम लोग भी कुछ मदद करने सकेगा गरीब आदमी लोग को बोल के, तो बीडीए से हम लोग अलॉटमेंट किया। अलॉटमेंट करके प्रत्येक पंचायत समिति मेंबर को 480 केजी अलॉटमेंट हुआ। तो होने के बाद में जब हम लेके आया चावल लेके आने के बाद में रात हो गया, तब भी फिर भी हम रात होने के साथ साथ भी खबर देके जितना आ सके हमारा कैमरा में अभी तक सीसी कैमरा में लोड है, कल रात से लेके अभी तक हम बांट रहा है। हाँ, तो बांटने के बाद प्राय 160-170 जन को हम दे चुका है, फिर भी अभी भी हम दे रहे हैं।